लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में शुगर क्रेविंग को दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय, जल्दी मिलेगी आपको राहत। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इन बदलावों में गुजरना हर महिला के लिए समस्या का कारण बन सकता है। दरअसल प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव हार्मोनल बदलाव के कारण उनका मूड भी प्रभावित होता है। प्रेगनेंसी में महिलाएं जो कुछ खाती हैं उसका असर उनके और बच्चे के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के मध्य में मीठी चीजें ज्यादा खाने का मन करता है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो इस दौरान मीठी चीजें खाने से महिलाओं को डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इस समय यदि ज्यादा मीठा खाया जाए तो इससे डायबिटीज की समस्या बच्चे तक भी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे में महिला को डाइट पर कंट्रोल रखना होता है, साथ ही पौष्टिक चीजों को खाने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में शुगर क्रेविंग को कैसे कम करें? शुगर क्रेविंग को पहले समझें। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव की वजह से महिलाओं को कई तरह की चीजों को खाने का मन करता है। कुछ महिलाओं को इस दौरान खट्टी चीजें खाने का मन करता है, जबकि कुछ महिलाओं को मीठा या आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस समय ज्यादा मीठा खाने से महिलाओं को डायबिटीज हो सकती है। ऐसे में महिलाएं शुगर क्रेविंग से बचने के लिए हेल्दी ऑप्शन का चुनाव कर सकती हैं। मीठा खाने के मन करे तो नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों को चुने प्रेगनेंसी के समय पर। मीठा खाने का जब भी महिला का मन करे तो उनको आप विटामिन और मिनरल्स से भरपूर चीजें दे सकते हैं। ऐसे में आप महिला को ताजे मीठे फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। आपको बता दें कि इन चीजों के सेवन से महिला को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और इससे बच्चे को भी पोषण मिल पाता है। ब्रेकफास्ट अवश्य लें। ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो उससे आपको और आपके बच्चे को भी तकलीफ होगी। प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए आप डाइट में बदलाव अवश्य करें। सुबह के नाश्ते को ना छोड़ें। सुबह के समय संतुलित आहार का सेवन करें। इससे आपको पूरा दिन एक्स्ट्रा खाने की इच्छा नहीं होती है और महिलाओं को शुगर क्रेविंग में आराम मिलता है, साथ ही उनकी भूख भी कंट्रोल में रहती है। कुछ महिलाओं को डिहाइड्रेशन की वजह से चीनी या मीठा खाने की इच्छा हो सकती है। इस दौरान एमनियोटिक द्रव्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। इससे बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। इससे शुगर क्रेविंग कम होती है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज की दिनचर्या में शामिल करें। इस दौरान योगा और एक्सरसाइज से आपके हार्मोन का स्तर सही बना रहता है, जिसकी वजह से आपको अनावश्यक खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।